और गंधर्वी साज बजाने वाले रघुवर कौशल्या के लाल मुनि के यज्ञ रचाने वाले। तो फिर महाराज के है आए अवधपुरी मुनिनाथ और ले गए राम लक्ष्मण को साथ, मुनि का यज्ञ पूर्ण किया नाथ, और वो अहिल्या का श्राप छुड़ाने वाले। अहिल्या गौतमगिरी नारी और गौतम रे श्राप से पत्थर री होड़ी, तो भगवान राम जी मिथिलापुर जावती समय और अहिल्या रे पत्थर रे माथे भगवान राम जी चरण रज पड़ी, तो महाराज माता अहिल्या रो है जगो उधार हुयो मुड़ जी। अब भगवान राम जी मिथिलापुर आया है के पहुंचे जनकपुरी दरमियान, हाँ क्योंकि हमारा जो गोत्र है जो गौतम ही है। बिल्कुल बिल्कुल सत्य है भैया। पहुंचे जनकपुरी दरमियान और के मारियो सब राजन को मान, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा योद्धा सूरवीर राजा महाराजा रावण जैसा योद्धा भी स्वयंवर में आ उड़ा, भगवान सब रो मान भंग करते हुए और जो शिव रो धनुष हो जो भगवान राम जी भंग कियो, मारियो सब राजन को मान, अरे के शंभु का धनुष तोड़ दिया राम वो सिया संग ब्याह रचाने वाले। क्यों जनक जी कोई प्रण हो के सीता जी धनुष ने उठाई हुआ है और सामने है जो धनुष री चाप चढ़ावे वो ही सीता जी शास्त्र में महाराज माला रो है जो पहना करके और ब्याह करे, क्योंकि स्वयंवर जगे नहीं कहे कि कन्या आप रो वर स्वयं चुनती बिन स्वयंवर बोलता महाराज। राजा महाराजा इसी कोई अनोखी शर्त रखता जो हर आदमी बा कर नहीं सकते महाराज। द्रौपदी स्वयंवर में मच्छी बेलनरो है जो महाराज मेरी आंख रे माए जो तीर चलाऊनो, अरे वारी अर्जुन ए हर देखनो की तेल रे मोकड़ा हो जो तेल नीचे भी कड़ा में देखनो तीर ऊपर चलाऊनो, अरे वो चक्कर चाले महाराज वो किसो है जो मच्छी सुबह की टिकड़ी थोड़ी पर चक्कर चाले हो। अर्जुन ने पूछियो भगवान कृष्ण से, अर्जुन ते कोई देखियो क्यों महाराज बट मन एक ही लक्ष्य हो कभी मच्छी री आंख रे सिवाय मत में दूसरो की नहीं देखियो। लारे जी हाथ मोटे धनी रहा महाराज। तो अब पहुंचे जनकपुरी दरमियान के मारियो सब राजन को मान, अरे शंभू का धनुष तोड़ दिया राम को सिया संग ब्याह रचाने वाले रघुवर कौशल्या के लाल मुनि के यज्ञ रचाने वाले। भगवान राम जी रो सीता जी रो शास्त्र में जो ब्याह होयो जो ही धनुष भंग कियो तो जनक जी महाराज पूछो बट विश्वामित्र जी ने बोले बाप जी ए जन विश्वामित्र जी को परिचय दियो भी अवध नरेश कसर जी महाराज रा पुत्र है राम और लक्ष्मण। बोले मार तो बरोबर रो ठिकाणो हो पण महाराज अयोध्या नरेश ने निमंत्रण कौन देवड़ो जनक जी महाराज ई बात रो कारण है। तो अब वो बट कई है के महाराज वा निमंत्रण भेजो और दशरथ जी महाराज बरात बनार ले राया और भगवान राम जी रो सीता जी रे शास्त्र मा ब्याह होयो भगवान राम जी रो अवतार कद होयो के चेत सुधी राम नवमी रे दिन और ब्याह हम आगे मिक्सर दी शुक्ल पंचमी आवे तुलसीदास जी महाराज लिखियो है मिक्सर महीने शुक्ल पंचमी सौ दिनों जोड़ राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न चारों रे सिर मोड़ अरे ओ राघव घूम रहियो है राजा जनक री ओळ आवे। तो भगवान राम जी रो सीता जी के साथ में ब्याह हुयो ए भाई सुनियो कौन मैं ई पांचो तो हां बाकी भगवान राम जी रो ब्याह है जो मिक्सर रे में नहीं उड़े क्यों भगवान राम जी री बार पांचम आवे जगी रो भी आ मिक्सर री है पांचम है ईओ भगवान राम जी रो ब्याह हुयो मिक्सर में नहीं। वसंत पंचमी तो बात मतलब के है के वसंत ऋतु है जगी प्रारंभ हो गया है ना जन भी वसंत पंचमी बोले मारे अनुभव तो यूं ही है। नहीं नाम तो भी वसंत पंचमी है सर आप मारवाड़ी में वर्ष पहुंचो कहां हाँ
आधे माघरी चांदनी पंचमा बिन बसंत पंचमी के मेला दशियों पहली आवे पांच दिन नी नाम तो बिरो बसंत पंचमी है महाराज बात तुम्हारी ठीक ठीक है बसंत ऋतु यानी कि फूल और खिल जावे महाराज बसंत ऋतु चालू हो जाओ गुप्त नौरता भी है महाराज चार चार बार नौरता हुए गुप्त नौरता हुए भी टेम्बर में तो चारों भाइयों एक ही सावे ब्याह हुई और भगवान राम जी की बरात कई संतों रो तो मत तो है कि भगवान राम जी की बरात जनकपुर में है जो 30 दिन रही और कई संतों रो मत है कि 64 दिन रही और कई संतों रो ऐसो भाव है कि महाराज 6 महीना तक भगवान राम जी की बड़े बरात रही बाकी तुलसीदास जी महाराज बड़े संख्या कौन लिखी तुलसीदास जी महाराज ने ध्यान हो भी आगे कलयुग में लोग जिद करी बैठा बीरवास्ते बा घणो हो बट तो बहुत समय लिखियो है और थोड़ो हो बट तुलसीदास जी महाराज कचुक समय लिखियो है अब भगवान जुई दशरथ जी महाराज सुबह सुबह रोजी में जाकर के और जनक जी महाराज उन विद्या मांगे और जनक जी महाराज कह बोले दी आज आज और रुको ओ प्रेम रो दायरो है महाराज ऐसे करते करते और भगवान राम जी वही दिन आयो जो को भगवान राम जी की बरात है जगी बटुआ जो विद्या करी है तो भगवान राम जी विदाई लेकर के और भगवान राम जी की बरात है जगी अयोध्या आई और अयोध्या में बड़ो भारी खुशी को माहौल हो और सब लोग अपनी अपनी यथाशक्ति दशरथ जी महाराज ने विदाई लेकर के और अपने अपने देश पधारिया तो केकई रे देश राजा केक केकई रू पिता बे रवाने होने लाग्या जी टेम भरत और शत्रुघ्न दोनों है जगमान साथे मां ननियाल चलिया जावे और इन्हें राजा रो स्वभाव काई है के हमेशा रे लिए दर्पण देखे दशरथ जी महाराज और एक दिन जो ही दर्पण देखियो और मुकुट है जगो टेढ़ो देखियो और जुल परे कनु बाल है जगह सफेद दिखा और दशरथ जी महाराज विचार करियो भाई चौथी अवस्था आई है और हम औराज है जो महाराज राम ने युवराज पद दे करके मैं है जो वान प्रस्थ आश्रम में जाकर के और भगवान की भक्ति करूं इसे राजा महाराजा सुख जी करिया करता क्योंकि 51 वन लागता ही जित ताई तो मैं लोग कहें कि 25 वर्ष ताई तो अपने जुगो महाराज बाल औस्त्या किशोर औस्त्या जवान औस्त्या वे भी बाद में 25 वर्ष 50 वर्ष तक है जो ग्रस्त आश्रम में मां अपन लोका ने जो ध्यान देनो पड़े वीर बाद में 51 वर्ष लागता ही वन लागे तो बचे जो महाराज वन रुई गमन करता राजा महाराजा तो दशरथ जी महाराज गुरु हैं अबेरी बात चले अपनी टेमे तो घणी उम्र ही महाराज हां बाकी वशिष्ठ जी महाराज कण जाकर के बोले देव मैं और राज है जो भगवान राम ने देनो चाहू वशिष्ठ जी महाराज राज रो है जो मुहूर्त निकालियो राज तिले करो और इन्हें देवी देवता मन में विचार कियो के भगवान रो अवतार हुए अपनी जगी सहायता रे वास्ते और ए राज होगी जन अपनी सहायता कौन करी जन बट माता सरस्वती ने भेजे और सरस्वती आकर के आप अखड़ो है जो अयोध्या ऊपर रोपियो सरस्वती विचार करियो भाई मैं किन वणाऊं ई कारण रो मतलब के एक मेन मुदो तो महाराज बठे मंत्रा ने चुनी मंत्रा है जकी के कई रिदासी और मंत्रा पूछे के कई ने बोले महारानी सा आज के रंगाए पोताए साले और ये डेकोरेशन हो रिया है कई बात है बोले गेली काल सुबह मारे राम ने जगो राज्य अभिषेक होई जन भी मंत्रा दे करके बोले भाई जी एक बात कह दूं बोले हाँ बोले राम ने राज्य अभिषेक हुई जन महाराज आपा बैठी दोनों की ओ ठाणा रमाऊं गोचा सु गया बोले क्यों बदासी आ कई बात है बोले राजमाता है जगीरो पद कौशल्या ने मिली और तन कौशल्या री दासी पण करनो पड़ी जन के कई खांच एक लगाई के कई भी मंत्रा अरे बोले दासी मारे राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न चारा में कोई भेद थोड़ी है एक का महाराज माता सरस्वती विचार करियो भी ओ तो पाशो फेल गई आधी रात की समय और केकई सूती निंद्रा में और केकई रे जगो कंठा जाकर के विराजमान होई मस्तक रे मां बुद्धि ए जगी घुमाई सरस्वती और केकई जागी
और बोली मंत्रा उठ तू मंजने कोई कई जगी बात हमें कह। बोले भाई जी मैं तो पहलो कई जगी है तुम्हारी है जो बात सिर में रावे। बोले नहीं तू मन के की राज रे बारे रे मां। तो बोले आपा वो राज भरत ने किया करा। बोले थे तो सर जी मरा तुम तो वरदान मांगया देवासुर संग्राम रा बे आज काम ले लो बाकी एक मारो कणो कणो पहले वरदान रे मां और राज राज मांग लिया। पहली जे वनवास मांग लियो तो पद्मसर जी महाराज बे देने रे जो काबिल थोड़े ला अम हमारा जुई जुई है जगो दशरथ जी महाराज सुबह 4 बजे उठ करके नित्य कर्मो निवृत्त होया और सेवा पूजा कर और गुरुकुल में जाकर के वापिस आ और रानी केकई रे लेल में गया क्योंकि की श्रोमणी रानी और रानी को पौन में देखी और दशरथ जी महाराज रे पगोर मारो गाट्यों बंधन लागी। बोले आज रानी कोप में क्यों है। दशरथ जी महाराज जाकर के बोले हे रानी आज तो खुशी रो समय है और आज तू कोप में क्यों है। बोले महाराज तू कह जो करूं तू मांग। बोले थे रघुवंशी खाली केवणो सिख्या देवणो कौन सिख्या। बोले क्यों रानी कई बात है। बोले बे देवासुर संग्राम में 2 वचन मांगू बे आज देव। बोले रानी मांग वचन तुम्हारा देवड़ा है तन के बोले महाराज पहलो वचन वो है कि जगो थी ओ राज भगवान राम ने दे दिया हो ओ मारे पुत्र भरत में होना चाहिए। दशरथ जी महाराज खुशी खुशी के बोले रानी कोई बात नहीं एक ही माला राम होती है। दूसरे में जन केकई कह है कि दूसरे में भगवान राम जी ने 14 वर्ष रो वनवास वलकल वस्त्र उभराने पगा और 14 वर्ष तक कोई नगर में नहीं जावे और कंद मूल फल खावे ये शर्तां भी राखी। दशरथ जी महाराज मूर्छित होकर के पृथ्वी माता गिरिया है और रानी केके ने जीव बा मूर्छा टूटे और केके ने दशरथ जी महाराज कह रही है। बोले हे रानी हे अत्यारण हे पापनी जुलम कर दियो ते। दशरथ जी महाराज कोई कहे बाबा तुलसीदास जी महाराज लिखे भेजोरी हो बनवासी मेरी रानी ओ मतीना अरे भेजोरी बनवासी अरे सुन ले महारानी मतना
भरत मेरे एक समाना। ए मत दे रानी तू मुझको ताना, आपोन दूसरे का गेना माना। ए मदीना करावे उपहास मेरी रानी वो, thank you।
अरे भूपति भरत कद नहीं होती, आ खाली मेरो जीवन खोसी, अरे साथ कहूं देव की जोसी, रामचंद्र भगवान की भूमिया जी महाराज की। दशरथ जी महाराज बहुत प्रकारों रानी ने समझाई है, और यही रानी ही अत्यारण मारी चौथी अवस्था है, यानी कि वृद्ध अवस्था है, तो वृद्ध अवस्था माई तू मोटो संकट दे रही है, तो जुलम कर रहे है। चौथा पन के मेरा चला आया, और मत छीने रानी तू आ मेरी माया, दुख पाती है निर्बल काया, क्यों कब चौथी अवस्था रमा वृद अवस्था रमा काया में बल भी नहीं है। अरे मतना देवी री मोही त्रास, क्यों त्रास दे रही है, हे रानी मतना भेजो वनवास। फिर दशरथ जी महाराज के तुम लियो राज है जगो, यानी कि मारे भरत में राम में कोई फर्क नहीं है, राम भरत मेरी एक समाना, अरे मत दे रानी तू मुझको ताना, तू क्यों मने जगो ताना मारे है, अरते कौन दुष्ट का केना माना, ते ओ केरो केनो मानियो है, और मतना करावी उपहास, क्यों दुनिया रमा मारी है, जिन तुम हंसी करा रही है, हे रानी मतना भेजो वनवास। तो फिर दशरथ जी महाराज केरे बोले, हे रानी और राज बरी तू भरत ने दे दे, पण भगवान राम को वनवास मत कर, राज तिलक दे भरत लाल को, और के निश्चय भेजू दूत काल को, अबार में दूत ने भेजू और भरत ननियाने रमा है, और बठो मैं है जो बुलाऊं, अरे तुम तद दे इस बुरी चाल को, अरे राम रहन दे मेरे पास, हे रानी मतना भेजो वनवास। पर महाराज वह रानी केड़ी माने महाराज, पर नहीं महाराज वनवास तो पहली है। अब महाराज दशरथ जी महाराज के, हे रानी सौ दे वर्ष राम बन जावे, सौ दे दिन भी बहुत है, तू सौ दे वर्ष रो के रही है, और मेला में रहने वाला राजकुमार अरे दर दर रे मो बन बन भटकेला, उभराने भगवान ए अत्यारण जुलम करे है, सब दे बरस राम बन जावी, और के मेरी काया रहन नहीं पावे, हमारी काया है जगी इरमती खड़ी है, राम रे प्राणा रना दई, सब दे बरस राम बन जावी, और के मेरी काया रहन नहीं पावे, तू सिर धुन धुन कर पछतावे, पच तू पछताई, अर पच रोवे की लेले निश्वास, अरे ही अत्यारण क्यों तू जुलम करे। जन दशरथ जी महाराज रानी ने श्राप दे दिया, बोले हे रानी तू भरत ने राज दे वास्ते भगवान ने वनवास करे है, भरत तो भगवान राम जी रो तो प्रेमी है, जो महाराज को राज होई ले ही कौन सके, भूपति भरत कदे नहीं होसी, जा थारो भरत राजा कदी कौन बने, ओ बड़दसर जी महाराज श्राप दे दिए, भूपति भरत कदे नहीं होसी, रे खाली मेरो जीवन खोसी, तन ओ माळो जगो जीवन है जगो, तू है जगो हम रेउन देवे कौन मन संसार रे, साथ कहे ये देव की जोशी, अरे सुनी कर लेना विश्वास, अरे सुनो महारानी मतना भेजो वनवास। हम भगवान राम जी दशरथ जी महाराज उचित अवस्था में है, और रानी कौशल्या जी के मेल में भगवान राम जी जो है जो आया है, तो बड़े दशरथ जी महाराज ने नहीं देखा, तो भगवान राम जी माता केकई के मेल में आया है, तो बड़े केकई पूर्व वृतांत सुनायो भगवान राम ने, भगवान राम जी खुशी खुशी स्वीकार कर लियो, अरे वाह भाई प्रभु पूछो कौन भी पिताजी मन कौन रे वास्ते मारो गुनो कोई है, कौन रे वास्ते वनवास दे रिया है, आजकल टावर नहीं हो क्यों थोने जो इन ले खेत जानो है, क्या मैं तीन ले जाऊं सीधो सट्टो जवाब, माने मर्यादित बोले महाराज
बेसाब राम जी सा जगन मर्यादित बोले भगवान राम जी वन में रवाने वन लाग्या खुशी खुशी बे जगह राजसी कपड़ा उतार करके भगवान राम जी पीतंबर भीख लगायो और इन्हें माता जानकी भगवान राम जी ने आकर के बोले प्रभु आप वन में जाओला तो स्त्री को धर्म है कि पति के दुख और सुख में साथ देनो साथ फेरो रमा मारा ते पहली वचन हुआ करे पति रो है जो सुख है तो स्त्री ने सुख है और पति ने दुख है तो स्त्री ने दुख है तो सुख दुख दोनों में साथ निभानो बिनी मारा दंपत्य स्वास किया करे इर वास्ते प्रभु मैं भी वन में चाल जहां भंवरता कीत की और जहां के सरोवर जहां पानी भगवान राम जी के ही सियाजो वनवास तो मन हुई थी माताओं की सेवा करो बोल नहीं प्रभु तो माता जानकी साथे संग है तो बी टेमर मां लक्ष्मण जी महाराज छोटा भाई या भगवान राम जी रा भगवान राम जी विष्णु रो अवतार है तो लक्ष्मण जी शेषा अवतार है तो लक्ष्मण जी महाराज पतला रे कट रहे शेष जी बदल लक्ष्मण जी महाराज के प्रभु अरवेसी माता सुमित्रा रो वचन भी है माता कौशल्या ने तुम्हारा लक्ष्मण जी साथे संग है तो भगवान राम जी के नहीं लखन भगवान राम जी ने लक्ष्मण जी कई प्रकार कहे तो भगवान राम जी लक्ष्मण ने कौन कहे है अरे सुन मेरा ओ छोटा पीरे अरे कठिन बन करेणा सुन मेरा ए लक्ष्मण पीरे अरे तोरा
खेत पे सोता। ओ भैया धूप देख करी रोता लखन फूलों की सेज पे सोता। एक तो धूप देख करी रोता काला तेरा बड़े ना शरीर कठिन बनता रे मेरा। ओ रघुवरी अरे लक्ष्मण ने समय जावे तुलसीदास गावे। ए राघव ओ लक्ष्मण ने समझावे जो ए दिखा तक दीरे कठिन बन करेड़ा। सुन मेरा सोना दीरे सोना बन करेड़ा। बोली सियापति रामचंद्र भगवान की, बोली भोनिया जी महाराज की जय। अरे वाह बीस दादा भगवान राम जी के। अरे सुन मेरा लखनवा वीर और दोरा बनरा रेणा बनरो रेणो बहुत दोरो है। मात पिता के प्यारे और तुम हो सब घर के रखवारे। और माताओं ने बंधाना धीर माताओं ने धीर बंधाना के भाई 14 वर्ष से हारे निकली भगवान राम जी वापिस आई। लक्ष्मण जी कहे नहीं प्रभु। भगवान राम जी फिर कह रही है कि लक्ष्मण कांटा लगे तुम्हारे और तू करता हाहाकार। बड़े बंदरे में उबराने पगा और तन बड़े कौन बंधावेला धीर। अरे भैया कठिन बनकर रहना। तो फिर भगवान राम जी कहे लक्ष्मण फूलों की सहज पे सोता तो फूलों की लागे है राजभवन में। अरे बट धूप देख के रोता और काला तेरा पड़ेगा शरीर। अरे भैया कठिन बनकर रहना। तो लक्ष्मण जी नहीं माने तो भगवान राम जी कहे बाबा तुलसीदास जी महाराज लिखे तुलसीदास जस गावे। अरे वो राघव लक्ष्मण ने समझावे जो कुछ लिखा है तकदीर क्योंकि होन आर ने कौन टाल सके। बाबा तुलसीदास जी महाराज लिखे है अरे टाली नाटा टले टाड़ी उड़ी नाई टले अरे कर मारी देखा। ओ टाड़ी उड़ी नाई टले अरे भाई लगरे लगन धरे
पति रामचंद्र भगवान की। मुनि वशिष्ठ महाराज ने जगी टेमरे मा दशरथ जी महाराज री दे शांत हुई मूल जी भी टेमरे मा भरत जी पूछे बोले हे देव आप तो त्रिकालदर्शी महात्मा हो और थे राज रो मौत निकालियो राज तिलक रो अरे यो महाराज वनवास जन गुरु वशिष्ठ जी महाराज भरत जी ने के बोले भरत सुनहु भरत भावी प्रबल सुनहु भरत भावी प्रबल और बिलख मुनिनाथ आन लाभ जीवन मरण यस अपयसी ए विधिहा। बाबा तुलसीदास जी महाराज लिखो है वशिष्ठ जी महाराज कह रिया है कि सुनहु भरत भावी प्रबल और बिलख कहूं मुनिनाथ आन लाभ जीवन मरण अरे यस अपयस ए विधिहा। विधि ने कौन टाल सके तो भगवान राम जी माता जानकी और लक्ष्मण भैया सहित बन में रवाना हुए। उन टाइम भगवान राम जी जुई बन में रवाना होया तो पूरी अवध है जो भगवान राम जी री वीरमा मूल जी भगवान राम जी रे लारे पीछे है जो जाई पड़ी। भगवान राम जी विचार कियो कभी इयो तो आपन ए जो जामणी को दे तो भगवान राम जी पेलो पड़ा तमसा नदी रे किनारे लियो दशरथ जी महाराज मंत्री सुमंत ने साथ भेजे है और ही सुमंत तू भगवान राम ने जो 14 दिन तो यहां ने बिना घुमा करके वापस अयोध्या ले आई अगर भगवान राम नहीं आवे तो जानकी ने जरूर लाई जानकी नहीं आवे तो लक्ष्मण ने तो जरूर लाई। तो भगवान राम जी जो ही सब लोग भी तमसा नदी के किनारे रात के समय में सोया निंद्रा आई और भगवान राम जी सुमंत ने के बोले सुमंत हमें जगो रथ ने रवाना कर दे भाई। तो भगवान राम जी रथ में बैठ करके और अट इलाहाबाद प्रयागराज त्रिवेणी संगम जट कोल भीलों रा देश भगवान राम जी जो बड़ तक महाराज रथ में बैठ करके और आया है। तो बाबा तुलसीदास जी महाराज लिखे है आगे रो प्रसंग जगो केवटराज रो है वो बिल्कुल सुनाऊंगा आपने जाई जो मत आप मूल जी वो सुंदर प्रसंग है केवट रो। अरे बन राम चले वो संग सिया जी चले संग लक्ष्मण राजकुमार रे राजगिरी संग राम चले बन राम चले संग सिया जी चले संग लक्ष्मण राजकुमार रे संभाले राजगिरी
ज्ञान की राजा जनक की जाई। अरे अरे राजा जनक की जाई। वन राम चले संग सिया जी चले संग लक्ष्मण राज कुमार कौन संभाले राज की संग लक्ष्मण राज कुमार और संभाले राज दीदी। अरे सावन कर दी बात वो बरसे पवन थले पुरवाई।
बोले सियापति रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की। राम जी की कथा इसी है महाराज, टाइम टाइम उठा के गोपड़े फोड़ दिए। धन्य हो आपने जो गा भी तीर दे रहे जो कथा रमा बैठा हो, बहुत धन्य हो। एक छोटो सो प्रसंग और के महो मेरे बाद रे महो पज प्रभात रो टाइम लाग जी। तुलसीदास जी महाराज जी कहे के बन राम चले और संग सिया दी चले, संग लक्ष्मण राजकुमार, अरे कौन संभाले आ राजगिरी। आगे आगे राम चलते है और के पीछे लक्ष्मण भाई, अरे बीच बीच में चले जाने की आ राजा जनकरी जाई। अरे हे रानी दशरथ जी महाराज कह रही है कौन संभाले राजगिरी। तो फिर कहे राम बिना मेरी सुनी है अयोध्या, और आ लक्ष्मण बिना ठुकराई, सियादू बिना मारो के सुनो रसोड़ो को कौन करे सतुराई। ए रानी ए अत्यारण ते जुलम कियो है। और दशरथ जी महाराज आंखियां में आंसुनारी धारा चले है और के ही रानी मेला में रहने वाला राजकुमार एरबड़ बनरे मा श्रावण गर्द भादबू बरसे और के पवन चली पुरवाई, कौन वृक्ष तल बीजत होंगे सीता और दोनों भाई। किसे दरखत्र नीचे भी है जगो भिगेला रात निकालेला। बाबा तुलसीदास जी महाराज लिखे है तुलसीदास आस रघुवर की और के अरीशे हेत लगाई, दो वचनों के काज आज मेरी राम गई है बनवाई। जे भी देवा सुर संग्राम रमा हूं तम दो वचन नहीं देव तो आज मारे भगवान ने वनवास नहीं होतो। इन्हें भगवान राम जी चलते चलते और सरंगवेपुर आया। सरंगवेपुर में भगवान राम जी भक्त कौन के निषाद राज कोल भीलो रो राजा भगवान रो आगमन सुनियो तो निषाद राज भगवान री रात भर बहुत तेल चाकरी करी है और भगवान राम जी को मान सम्मान कियो। भगवान एक रात्रि विश्राम सरंगवेपुर में लियो और जो सुबह हुयो बी टेम्बरे मा है सरंगवेपुर है सरंगवेपुर है और तो इन्हें रहेगी प्रयागराज जो बस चित्रकूट आगे रहेगी और तो प्रयागराज इन्हें प्रयागराज पहली संगवेरपुर भगवान राम जी निवास की एक रात्रि। हाँ चित्रकूट तो बड़े आगे है मध्य प्रदेश में है बड़े एमपीर में जन महाराज जो ही सुबह हुई हो और भगवान राम जी मंत्री सुमंत भगवान राम जी ने कहे प्रभु हम आप आठूंगे जो अवध चालो। भगवान राम जी कहे मंत्री सुमंत अब नहीं तो माता जानकी ने भेज दो बोले जानकी के नहीं मैं नहीं चलूं और लक्ष्मण भैया भी नट जावे तो भगवान राम जी वट वृक्ष दूध मंगा करके और बट है जो जटा बनाई है और इन्हें मंत्री सुमंत एक बड़ रहे दरखत है नीचे दोनों घोड़ा रथ खड़ा है और मंत्री सुमंत बटे खड़ो है और भगवान राम जी अठे प्रयागराज इलाहाबाद जटे गंगा जमुना और सरस्वती तीनों नदियां रो संगम है। भगवान राम जी बैठे आया है और आकर के और केवट ने भगवान राम जी के बोले केवट राज न्याव लाओ। तो भगवान राम जी ने क्योंकि केवट पिछले जन्म में भी भक्त हो तो भगवान ऐसा हाँ प्रयागराज में किसी बातों का चेतो कर मदाकी नहीं है सरयू तो अयोध्या में रहेगी पर मदाकी नहीं है प्रयागराज है जड़ गंगा जमुना और सरस्वती तीना नदियां रो संगम है। बिन बोले अनसुईया माता है जगी आप रह जगी भी हुए जगो शक्तियों ले रही गंगा री धार। हाँ सा बिल्कुल सत्य आप री बात तो हाँ केवट तो प्रसंग है जगो बड़ो सुनने लायक है इन बड़ो ध्यान सुनना है क्योंकि केवट भगवान राम जी रो पिछले जन्म रो भी भक्त है। पिछले जन्म में केवट एक कछुओ हो और भगवान शिव सागर में विराजमान और केवट भगवान राम जी का चरणा कानी चरण पखारने जावे जन लक्ष्मण जी महाराज है जगह ए लक्ष्मी जी है जगह पंखी लेवड़ा बैठा भगवान ने बाव गाले बे पंखड़ी उदे बड़ी तरका केवट है जगह शीश कानी जावे भगवान राम जी ने मुकुट कानी बट लक्ष्मण
लक्ष्मण जी है जगो शेष रे रूप प्रेमा बे मारे फुंकार अम्मारा माथे पगो कानी पगो माथे कानी कसो वो खत्म हो गयो। जन भगवान राम जी बड़े विष्णु मुस्कुराया और क्यों चिंता मत कर बेटा एक दिन तने जगो जरूर मारा चरणा रो लाभ मिली लक्ष्मी और शेष आरे मारा सानिध्य रे मारे आज लक्ष्मी जी कौन है माता जानकी और शेष जी लक्ष्मण जी ये दोनों खड़ा है और आरे महाराज सानिध्य रे मारे अरे भगवान राम जी का आज वो केवट है जो चरण पखारी पण भी कुछ नहीं कर सके तो केवट भगवान राम जी ने कह नहीं प्रभु मैं आपने न्याय में नहीं बैठा सकूं। बोले क्यों भाई तो केवट भगवान राम जी ने कहे हे प्रभु ओ जब पत्थर से बन गई नारी ओ जब पत्थर से बन गई नारी ये तो लकड़ी की नावे हमारी ये तो लकड़ी की नावे हमारी यही रोजगार पाड़ू सारा परिवार भगवान की केवट भगवान राम जी ने कहे प्रभु मैं यूं सुनी कि आप दगी टेमरे मा मिथुलापुर गया बी टेमरे मा आप वो चरण एक पत्थर दी शिला रमा था लागे हो तो बीरी एजगी महाराज स्त्री बन गई तो आ तुम्हारी एजगी ने आप एजगी लकड़ी दी है इरी तो होरी गणी बनी महाराज जन महाराज एक घर में और दो स्त्रियों पार पड़े कोने मारने तो ही रोजगार है ई वास्ते मैं थोने जो न्याय में नहीं बैठा हूं केवट के जब पत्थर से बन गई नारी और यह लकड़ी की नाव हमारी अरे मैं कहूं यही रोजगार ओई मारो बंदो ओई बिजनेस है हमारा अरे पालू सारा परिवार अरे सुनो सुनो जी दातार मैं के कैसे बेसाऊं तुम्हें नाव में मेरी छोटी सी है नाव तेरी जादू भरी पाव और केडर लागे मोहे राम में कैसे बैठाऊं तुम्हें नाव में। भगवान राम जी मुस्कुराया है और बोले करे हे केवट तन विश्वास है जो कर ले लक्ष्मण जी महाराज जी क्यों महाराज कौन हीरो ये तो नोरा काटो एक कई रिबन बोन भी उड़ा गई है तो अटलिया बोन भी उड़ा रे कई न्यावा और नोई नोई खड़ी है। भगवान राम जी मन में विचार करे बोले लक्ष्मण तन पतो नहीं हो मारो भक्त है तो केवट के महाराज एक बात तो बड़ो हो सके बोले काई तो केवट भगवान राम जी ने कह दिया है बोले हे प्रभु अरे एक ही बात ही मानो तो बिठा लूं अरे कैसे भी जाऊं तो मैं न्याय आ कैसे
मोलेसिया पति रामचंद्र भगवान की। केवट के प्रभु, अगर जी आप एक बात मानो मारी तो थोने नाव में बैठा लूं। बोले कहीं, बोले एक बात मानो तो बैठा लूं, यार तेरे चरणों की धूल लगा लूं, मेरा संदेह हो जाए दूर, यार यदि तुम्हें हो मंजूर, यार बात मेरी है हुजूर, मैं कैसे बैठाऊं तुम्हें नाव में। बोले महाराज, मैं कठोपी के मां और वो गंगारो है जो जल लेकर के आऊं और थारा चरण धोऊं। अगर बात कठोपी री जे कोई छोटी मोटी कोई छोरी बन गई तो महाराज हूं थोने नाव में बैठाऊं कौन। अर्जी बात कठोपी साबुत रहेगी तो आपने मैं नाव में जरूर बैठाऊंगा। भगवान राम जी के केवट तन विश्वास है जो कर ले। अब केवट घर जावे, चरण पखारने में और चरण धोने में मूल जी अंतर। अकेलो आदमी कोई संत सतगुरु या भगवान रा कोई चरण धोवे तो भी ने दोनों मानियो। अगर स्त्री और पुरुष दोनों मिल करके चरण धोवे तो भी चरण पखारनो मानियो तो केवट भी लाभ लारे। क्यों रेवे हो केवट घर जाकर के और आप रे घराली ने कहे, बोले आज मौको है और भगवान राम जी आयडा है तो केवट केवट महाराज घर में होती नादार की जो को भगवान रा शरण पखारने वास्ते कोई एदगो बर्तन भी नहीं है तो केवट जके भी कठोते में जो नावरे में पानी बारे निकाले केवट वो कठो तो लायो है। वो भगवान राम जी रा भी कठोते में जो को गंगा रो जल लेकर की और चरण दिलाया है। हम जीवनो चरण मेल करके भगवान राम जी रो और केवट और भी स्त्री दोना है जो मिल करके भी चरण ने धो करके और पारे रखी हुए नीचे और दूसरो चरण दियो है वो धोयो जन महाराज वो जो रेत में हो गयो केवट के महाराज तो चरण रेत में हो गयो पाछो दो। अब वो दूसरो चरण वापिस है जो महाराज भी कठो तेरे में रखे है और जो को धोयुड़ो चरण है जगह ने भगवान राम जी ने केवट कह बोले महाराज इन थे जो ऊंचो उठा लो। अब महाराज भगवान राम जी एक पगरे तान है आज तक भगत तो है जो को महाराज भगवान रे वास्ते एक पगरे ताने जो देखा है पर आज वो पहलो भक्त है जो को भगवान ही रे जो खातर एक पगरे ताण खड़ा है। भगवान राम जी केवट ने कहे बोले केवट कितनी देर और लागी। बोले प्रभु थे जो उदिक नहीं जाओ एक पगरे ताण खड़ा यूं करो थारो हाथ है जो को मारे माथो पकड़ लो हम बताओ थे कितो होशियार आदमी है बताओ कहे बोलो है शरण धोने वास्ते और भगवान राम जी रहे जगह हाथ केवट रहे जो शीश पर और केवट है जो कोई शरण पकारे है और कभी लिखे है। अरे बड़े प्रेम से चरणों को धोए पति रामचंद्र भगवान की। बड़े प्रेम से चरणों को धोए भगवान राम जी का चरण धोकर के और केवट भगवान राम जी ने एक पत्थर की शिला रमाते बैठाया है और के पाप जन्म जन्म के खोए। अरे वाह बड़ा प्रसन्न केवट बड़ो ही प्रसन्न हुई है और किया है राम दर्शन और संग के सिया और लक्ष्मण। अरे मैं कैसे बैठा हूं प्रभु तुम्हें नाव में। भगवान राम जी के बोले केवट हमें ले पार कर दगाणी क्योंकि थारी कठोती है जिक साबुत रहेगी। बोले ठहरो महाराज आज की गंगा है पतित पावनी जगी आई थोरे चरणार बिंदु निकलुड़ी है क्योंकि हरि के चरण से निकली सुरसरी अरबा रहती है शिव जी रे संगा भलाई मां जुग तारण है गंगा और अब जगी आ कठोताली गंगा है
आई थारे चरणारविंद की जय। तो की लाभ है जो कुमारे ई पूरे नगर रे लोगन भी मिलनो चाहिए। तो केवट वो भगवान राम जी रो चरणारविंद रो चरणामृत सब आपने कुटुंब ने और नगर रे लोगों ने जगो पिला रियो है। तो इन्हें भगवान राम जी लक्ष्मण जी ने सीता जी ने के थई जापरा थोनी दे जन जन्म लक्ष्मण जी और सीता जी दोनों जावे लोग को लाइन बनावड़ा खड़ा है अर भी बिन लाइन है जो आगे गए क्योंकि पद प्रतिष्ठा वाला आदमी वे जन कर टिकट ले उनी तो बिना लाइन मिले बिन महाराज। लक्ष्मण जी और सीता जी जावे भले केवटराज माने भी चरणामृत दो बोले ठहरो एदी से कौन कोई ए हेंग लेन में लागू है थौ लेन में लागी से कौन। लक्ष्मण जी सीसा उतार है लक्ष्मण जी ने रीस आई माता जानकी दे कर के वो लक्ष्मण भैया अगर जे लाइन में लागिया नहीं दे देनी तो घना रंग मानो महाराज वो भगत कोई और ही तरीके रो है। तो अब वो चरणामृत सब ने पिलायो है और अब भगवान राम जी एवट काई कह है हरि चरिना प्रति सब को पिला रामचंद्र भगवान की केवट के हैं चरणामृत सब को पिलाऊं और तुम ही फूलों की भेंट चढ़ाऊं और के ऐसा समय बार बार नहीं आता सरकार। अरे सुनो सुनो मेरी प्राण आधार और मैं कैसे बैठाऊं तुम्हें नाव में। तो अब केवट वो चरणामृत पिलाए हुए सबने और अब भगवान राम जी के कन आए हुए गंगा रे किनारे और भगवान राम जी कह ले भाई केवट हमें क्यों विलंब करे है। बोले महाराज ठहरो जगह पहला आया जगह ने पहला पार करना है। अरे भगवान राम जी के सुबह उकरन दी तीन ही दौड़ा चौथो अटे कोई आदमी कोनी। बोले महाराज हे बोले कौन के जीता भी मारा पूर्वज मारा जगह वडेरा ये गंगा रे घाट रे माते खत्म होया जगह है गदू गति में गिवड़ा है बोरो उधार करनो भी जरूरी है बाने भी पार करना है। भगवान राम जी क्यों रे ई गंगा रे घाट रे माते तो लोग बारू आ करके और अस्थियों विसर्जन करावे तो ही गई है जगो बारू भी कल्याण करने वाली है माता रानी गंगा पापा ने धोने वाली है और थारा जगह बडेरा तीर माते रे उताबे पछ कोई अधोगति में थोड़ी गई है। बोले नहीं प्रभु केवट भगवान राम जी ने कहे के बारू अगर जे कोई आदमी पाप करके आकर के गंगा रमा है जो स्नान करे तो भी पाप ने आ गंगा धो दिया करे और ई गंगा रे किनारे तीर्थराज रे माथे कोई आदमी पाप कर्म करे बिन गंगा ही कौन धोए महाराज बिन आप ही मिटा सको। केवट बड़ी सुंदर बात लिखी है संकेत करी हुए अपन लोगों ने भी के तीर्थराज में जाकर के और ऐसा भी कही है जगह बड़ कुकर्म करे है तो बाने महाराज के गंगा ही धोए कौन जन। केवट ने भगवान राम जी कहे तो हूं कोई करूं। बोले थे मंत्र बोलो मंत्र उच्चारण करो और हूं है जो मैंने अंधलियो दे केवट है जो आपका दीता भी पित्र है जगो ने बटे है जगो अंजलि देवे है और भगवान राम जी मंत्रोच्चार करे है सब जीता भी आपका 21 पीढ़ी राजा का पूर्वज हेंगो और भगवान राम जी वे जगो उद्धार करवा दियो। अरे वारी धन्य हो भक्त तना है। तो अब भगवान राम जी न्याव में बैठे है तो केवट न्याव लगाई है और भगवान राम जी सीता जी ने बैठा करके और फिर आप है जो न्याव रे मां बैठा है और लक्ष्मण भैया न्याव में बैठा है और केवट है जो महाराज बा न्याव है जगी थोड़ी गौ ले गयो आधे एक दूर और बटो में जो पाछी घुमाई। लक्ष्मण जी भगवान राम जी ने हेन करी बोले महाराज पाछी क्यों ले जावे। बोले कोई चीज भूल गयो वाला पाछो की किनारे आयो और पाछी घुमा दी पांच चार एक यूं गड़का गोल दी राजा। अरे भगवान राम जी क्यों भाई केवट तू मने यहां गोल क्यों फेरे भवणा आवे
के उठ गया छात होने तो दो गड़को में बावला मु लागी अरे मे 84 लाख है जो घर का काटो मन बावला आवे कौन मारी 84 काटो अरे भगवान राम जी है जो के उठी है जगी 84 काट दी है अब भगवान राम जी न्याव में बैठा है और केवट मधुर गीत गा रही है भजन गावे है और भगवान राम जी ने गंगा पार करे और कवि काई लिखे है अरे धीरे धीरे वो प्यावे चलाता धीरे धीरे वो धीरे-धीरे वो न्याव चलाता अरे वह तो गीत के खुशी के गाता अरे मुख से कहता यूं ही जात और सूरज सुन लो मेरी बात अरे नहीं होनी चाहिए रात और मैं किसी बैठा हूं तुम्हें नाव में केवट सूर्य भगवान ने कह दिया बोले हे प्रभु आज आप थोड़ा की धीरे बहो मारी नाव रे मां भगवान राम है आखिर तो महाराज गंगा पार हो ही पार पड़े और गंगा रे किनारे नाव आई और केवट नाव ने संकलों बांध और भगवान राम जी ने माता जानकी ने लक्ष्मण जी ने ई किनारे उतार करके और अब भगवान राम जी ने केवट है जको दंडवत प्रणाम करियो है जीते प्रणामी को करियो नी महाराज ऐसो भगत महाराज नहीं देखियो और केवट रे आंख्या न मुंह बटे प्रणाम करे लागियो बी टाइम आंसुनारी धारा चादन लागी है और भगवान राम जी सीता जी के सामने देखियो और सीता जी भगवान रो मन रो रुख समझ करके और क्यों ओ गरीब है और इन किन की उतरई में देव प्रभु भगवान राम जी कंत के होतो ही कौन है सीता जी कने मुंदड़ी भगवान हनुमान जी लंका लेर गया वाइज मुंदड़ी पर भगवान राम जी कने रे गई और सीता जी बा मुंदड़ी है जे निकाल करके भगवान राम जी ने दे दिया बोले प्रभु ई भक्त ने जोगा भेंट करो तो भगवान राम जी के उठने कहे है अरे ले लो मला उतराई पति रामचंद्र भगवान की भगवान राम जी कह ले लो मला उतराई अरे मेरी पल्ले कछु नहीं है पाई है केवटराज और मारखन कहीं नहीं है अरे आ तू मुंदड़ी है जकी उतराई मां ले ले अरे ये तुम करो स्वीकार इन तू स्वीकार कर ले होने रा तार जोन भाई अरे तेरा होगा बेड़ा पार जा थारी की होगी जे जे कर और किसे बैठा हूं तुम्हें नाव में और केवट भगवान राम जी ने कह प्रभु मैं गरीब जरूर हूँ पर मैं नीच नहीं बोले क्यों भाई बोले अगर आप मुंदड़ी जे सोनेरी होती
तो मैं जरूर ले उतो। भगवान राम जी कह रहे बिल्कुल सोनेरी है 24 कैरेट। बोले बात तो है पण ई मूंदली रे माथे भगवान राम जी रो नाम अंकित है आपरो, तो राम जी रो नाम कदी बेचो नहीं जावे महाराज, मैं इन बेचू ला कठे। अरे वाली धनी हो केवट, और भी एक बात और है, भगवान राम जी ने केवट के बोले प्रभु, अरे जैसे तुम हो केवटिया वैसे हम हैं, जैसे तुम हो केवटिया वैसे हम हैं, भाई भाई से लेना शरण है, भाई भाई से लेना शरण है, जैसे किया नदी पार तुम कर देना उसे पार, हे परमानंद की पुकार बाबे की पुकार, एक से भी जाऊं तुम्हें जाने, तेरी छोटी सी है न्याम तेरे जादू पर पाम, वो डर लागे मुझे राम, अरे कैसे भी जाऊं तुम्हें जाने, कैसे भी जाऊं तुम्हें जाने, पति रामचंद्र भगवान की मोर मुकुट बंसी वाले की। बोले प्रभु जैसे तुम खेवटिया वैसे हम हैं, केवट भगवान राम जी ने कह जैसे थे केवट हो पिसोई केवट हूं। बोले की कर भाई, बोले थे तो एक सागर रा केवट हो जगो सब जीवों ने पार करने वाला, और मैं एक ही नदी रो केवट हूं, पण मारा हां तो स्टाप इज स्टाप स्टाप तनु कहीं को लेवे मारा, जोगण कोई बस में चढ़ गई जन भी टीटीआर देख रही क्यों ले रहे माई करायो दे आयो चल चल के स्टाप। बोले थार कितनी बसों ताले, बोले सो एक ही कौन, तो बोले कोई छोटी गाड़ियों है, बोले नहीं, तो कोई मोटरसाइकिल है, बोले नहीं, तो कोई साइकिल तो है ली, बोले नहीं, तो स्टाप क्यों, बोले हूं घर घर फिर पांच पांच चार चार रुपया मांगर लाई हूं, तू ही बस रे मोल जने जने कनो मांगे है, मांगने भी काम थारो है, मांगने भी काम, और स्टाप इजा भी जगह है, तो केवट के प्रभु आप स्टाप हो, जैसे तुम केवटिया वैसे हम हैं, अरे भाई भाई से लेना शर्म है, मैंने किया है नदी पार और तुम कर देना मुझे बहु से पार, अरे के परमानंद की पुकार और भी तुलसी बाबे की पुकार, मैं किसे बैठा हूं तुम्हें न्याय में, अरे वारी धन्य हो भक्त। बोले सिया पति रामचंद्र भगवान की, पाला जी महाराज की, भूमिया जी महाराज की, कर्ण जी मात की जय हो। हमें कोई आगे प्रसंग कदी जे जोग मिली।